बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएस टेक्नोलॉजी में। आज अपन का वीडियो होने वाला है सेलेनियम पर। जो हमारा एजेंडा है आज का, व्हाट इज लोकेटर, आज हम पढ़ेंगे सेलेनियम में लोकेटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोकेटर्स आर द वे टू आइडेंटिफाई एन HTML एलिमेंट्स ऑन ए पेज, वेब पेज। ठीक है, पहले लोकेटर्स का क्या काम होता है, जिससे जो है हम HTML एलिमेंट को जो है फाइंड करते हैं वेब पेज पे, उसे हम लाइक बटन है लोकेटर्स, जिसको हम फाइंड करते हैं, उस जिस बटन को फाइंड करना है तो लोकेटर से करेंगे। ठीक है, वेब पेज पे, तो उसी को हम लोकेटर से बोलते हैं। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइड होता है, जो एक लोकेटर्स एंड सेकंड वन इज कस्टमाइज लोकेटर, जिसमें दो होते हैं कस्टमाइज में, सी एस सेलेक्टर एंड एक्स बार। तो सी एस सेलेक्टर में टैग एंड टाइप आईडी से कर सकते हैं, क्लास से कर सकते हैं एंड एट्रीब्यूट्स, एंड टैग क्लास एंड एट्रीब्यूट के साथ भी कर सकते हैं। एक्सपाथ दो तरीके से करते हैं हम, उसमें लोकेट करते हैं HTML एलिमेंट को, रिलेटिव एक्सपाथ से और एब्सोल्यूट एक्सपाथ। इसका हम अलग एक वीडियो रखेंगे, सेपरेट वीडियो रखेंगे, थोड़ा लार्ज हो जाएगा वीडियो अदरवाइज, इसका हम अलग टॉपिक रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लोकेटर्स। इसमें लोकेटर्स इस टाइम सेवन टाइप्स का है यहाँ पर। आईडी से भी हम लोकेट कर सकते हैं HTML एलिमेंट्स को, नेम से कर सकते हैं। लिंक टेस्ट दो टाइप से कर सकते हैं, लिंक टेस्ट, पार्शियल लिंक टेस्ट, टैग नेम एंड क्लास नेम। सेवन लोकेटर्स होते हैं हमारे सेलेनियम के अंदर। तो आप हम इनको जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो पहला है हमारा आईडी। आईडी से हम कैसे लोकेट करते हैं किसी एलिमेंट को वेब पेज पे, ये सीखते हैं हम। फॉर एग्जांपल, ये आप यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या नया क्लास, यहाँ से नया प्रोजेक्ट की जगह आप क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं। हमारा क्या है, क्लास ऑलरेडी मेन है, मेन में ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इम्पोर्ट कर लेंगे, इम्पोर्ट org.openqa.selenium web element and import org.openqa.selenium web driver। और दूसरा हम जिस ड्राइवर को यूज करेंगे वो यहाँ पे करते हैं, जैसे लाइक एज जिस ब्राउजर को यूज करेंगे, लाइक एज क्रोम, फायरफॉक्स, एज, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम क्रोम पे करेंगे, तो इम्पोर्ट करते हैं org openqa.selenium.chrome.chrome. ये अभी आप देख रहे हैं कि लाइट नहीं है यहाँ, क्योंकि हमने अभी इनका यूज नहीं किया, अनयूज है इस वजह से। ऐसे हम यूज करेंगे तो ये हाईलाइटेड हो जाएंगे। ठीक है, मेन बॉडी में आते हैं, यहाँ पे अपना कोड रन करेंगे। पहले हम ब्राउजर को कॉल करेंगे, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें वेब ड्राइवर डॉट ड्राइवर सिंपल, यहाँ पे हम पाथ को रखते हैं, यहाँ पे हमने ड्राइवर को सेव करके रखा हुआ। तो आपको पता है हमने डॉक्यूमेंट्स में रखा था सेलेनियम, ड्राइवर सेलेनियम, उनको क्रोम करना है, तो यहाँ से क्रोम का पाथ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे सेलेनियम, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, स्लैश करके क्रोम ड्राइवर डॉट एक्से लिख। ठीक है, स्लैश
Just one second. ठीक है, सिलेबस एक्सी फाइल, एक्सी लगा। मैक में हम यहाँ पे एक्सी का यूज नहीं करते हैं, तब भी रन कर जाता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, सिंकोन लगाएंगे, प्रोसेस को कॉल करेंगे, वेब ड्राइवर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, आपने हर जगह पे देखा होगा ड्राइवर लिखा होता है, तो हम यहाँ पे ड्राइवर नहीं यूज करेंगे, कुछ और यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे हम ड्राइवर ही यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने मन से कुछ भी यूज कर सकते हैं। एम एस ड्राइव हम यूज करते हैं वहाँ पर, एम एस ड्राइवर कर लेते हैं। गो टू न्यू, सॉरी न्यू क्रोम, क्रोम ड्राइवर। ठीक है, यहाँ से हमारा ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, एक बार लॉन्च करके देखते हैं, रन करते हैं, ब्राउजर लॉन्च हो रहा है या नहीं। यहाँ पे डबल स्लैश, सॉरी अगेन रन करते हैं। यहाँ से सक्सेसफुली स्टार्ट ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्रोम ब्राउजर लॉन्च होने के बाद हमें क्या करना होता है? अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, बस इसी का हमारा मेन काम है इसमें, सिलेनियम में, बस इसी से हम किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एम एस डॉट ड्राइवर डॉट माइनस डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। तो इससे क्या होता है, अभी आपने देखा होगा क्रोम जो है हाफ विंडो में था, मिनिमाइज था, तो ये अच्छा नहीं लगता। ये लाइन लिखने से जो है वो ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखना, देन एम एस ड्राइवर डॉट गेट। यहाँ से हम क्या है, गेट से यू आर एल से नेविगेट करेंगे, जिस भी यू आर एल पे नेविगेट करना चाहते। ठीक है, क्रोम पे करना है, करेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे अब प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, क्रोम ब्राउजर ओपन एंड क्रोम इज ओपन इन मैक्सिमाइज विंडो। ठीक है, आप यहाँ पे अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये रन हो जाएगा, बट मिनिमाइज ही रहेगा। इस बार देख सकते हैं, ये देख रन कर गया है प्रोग्राम हुआ, लेकिन यहाँ पे ये हाफ विंडो में ही रहेगा। ठीक है, इसको कर देते। ठीक है, अब बात आती है लोकेटर से, लोकेट कैसे करते हैं। तो पहला था हमारा, पहला था वो था आईडी, आईडी से हम लोकेट कैसे करते हैं। ठीक है, आईडी से लोकेट करके आपको बताएंगे। एम एस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एलिमेंट को। अब किस से करना है, यहाँ से वो हम यूज करेंगे, बाई आईडी से, जो आईडी है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आईडी नेम हमारा क्यू है, जब नेम से करेंगे तो यहाँ पे आईडी आईडी नहीं गिवन है, इस टाइटल में आईडी नहीं गिवन है, तो किससे कर सकते हैं, नेम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आईडी से करेंगे। ठीक है, तो हम फेसबुक पर करते हैं, और एक बार फेसबुक ओपन करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ क्या है, ईमेल आईडी जो है यहाँ पे गिवन हुए, तो यहाँ से हम फेसबुक पर नेविगेट करेंगे, और फेसबुक कोड। ठीक है, फेसबुक कर दिया, आईडी वहाँ पे क्या थी हमारी, यहाँ गए, और ये आईडी, आईडी पे डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन अपने कोड में आकर के यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर नेविगेट कर देंगे। हम चाहते हैं उसमें कुछ टाइप कर दें, तो उसके लिए हम सेंड की यूज करते हैं, मेथड सेंड कीज। एंड ना यहाँ पे आप कुछ भी, वहाँ मेल है या अपना मोबाइल नंबर से आप फेसबुक लॉग इन करते हैं तो कर सकते हैं, 9198, लाइक एज मैं अपना मोबाइल नंबर से करता हूँ। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं, ये आईडी से रन हो। ठीक है, यहाँ से रन करते हैं, यस सक्सेसफुली लॉन्च्ड फुल फेसबुक लॉन्च एंड टाइप हियर माय मोबाइल नंबर।
आप यहाँ पे जाते हैं, आपका पासवर्ड भी टाइप हो जाए ऑटोमेटिकली, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नेविगेट करते हैं नेम से, ठीक है। तो इसी पर हम MS ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई नेम से करना है हमें, नेम से करेंगे डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे क्या है, ये फेसबुक, और हम पासवर्ड से नेम में पासवर्ड भरना चाहते हैं, नेम से फाइंड करना चाहते हैं जो लोकेटर है वो आपके बारे में वहाँ नेम रहे, ठीक है। तो नेम में जाते हैं, यहाँ पे पासवर्ड पे इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम क्या है, पास, यहाँ कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कर दें और डॉट सेंड कीज, और यहाँ पे अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5, जो भी कुछ है आप 7 8 9 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, आप देख पाएंगे वहाँ पर। रन करते हैं हम इसको, देखते हैं वहाँ पे कुछ आता है या नहीं। गया फेसबुक ओपन हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप ये देखिए सेम वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 4। ये आपने दो तरीके से सीख लिया, यहाँ पर नेम से और आईडी से। हमारा थर्ड वन था लिंक टेक्स्ट एंड पार्शियल लिंक्स टेस्ट। आप देखते होंगे कहीं कहीं पे, जैसे कि आपके पास कहीं पर, इसको हम तब तक कमेंटेड कर देंगे, ना आईडी गिवन है और ना वहाँ पर नेम गिवन है, तो आप कैसे लोकेट करेंगे वहाँ पर, और आपको वहाँ पर लोकेट करना है। जैसे हम सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्ट अभी लाइक इस, मान लीजिए इसी पे हमको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ इंस्पेक्ट हो गया, यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है हमने। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर ना नेम है ना आईडी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पार्शियल लिंक इसको बोलते हैं, तो इससे हम नेविगेट कर सकते हैं, इसको लिंक बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, और हमारा था इस बार हम लिंक टेस्ट और पार्शियल लिंक टेस्ट के करके देखेंगे। MS ड्राइवर डॉट फाइंड, सॉरी, फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेस्ट से करना, और पार्शियल लिंक टेस्ट डॉट लिंक टेस्ट से करते हैं पहले। यहाँ पे जो वैल्यू थी वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। डॉट वहाँ पे क्या था, सेंड कीज में हम किसी में वैल्यू फिल करेंगे, वहाँ पे सेंड यूज करेंगे, अदरवाइज क्लिक यूज करेंगे, ठीक है। क्लिक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये फेसबुक पर जाएगा, वहाँ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा इसको ऐसा, तो यहाँ पे हम पहले वेबसाइट चेंज कर ले रहे हैं। रजिस्टर्ड है नाउ, रन प्रोग्राम, रन सक्सेसफुली, क्रोम ड्राइवर ओपन, मैक्सिमाइज, देन सरकारी रिजल्ट ओपन, देन क्लिक ऑन। देन क्लिक ऑन सरकार रिजल्ट यूट्यूब, नाउ यू कैन सी। यहां से भी आप करेंगे तो सेम वेबसाइट ही ओपन हो, ठीक है। ठीक है, ये था हमारा पार्शियल लिंक, ये था लिंक, सॉरी, लिंक टेस्ट। हम जब भी लिंक टेस्ट से यूज करते हैं तो ऐसे, लिंक टेस्ट का मतलब होता है कि वहाँ पे रिलेवेंट डेटा है, आप वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे नाम नहीं है, आईडी नहीं है, तो आप कैसे सर्च करेंगे, तो आप लिंक टेस्ट से यूज कर सकते हैं। आप बात रही वहाँ पे, हमें पार्शियल लिंक टेस्ट का मतलब होता है आपको कुछ ही पता है वहाँ से रिलेवेंट, कुछ डेटा पता है कि जो वहाँ से मैच कर रहा है। लाइक सपोज यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे सरकारी रिजल्ट यूट्यूब, अब हमको पता है कि सरकारी रिजल्ट यूट्यूब कहीं और नहीं होगा, यहीं पे होगा रिजल्ट यूट्यूब। तो यहाँ पे हमको कुछ ही वर्ड पता है, यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पता है या रिजल्ट यूट्यूब पता है या यूट्यूब पता है, तो यहाँ पे हम यूट्यूब पे, यहाँ पे हम पार्शियल मतलब कुछ पार्ट यूज करेंगे लिंक का यहाँ पर, तो रिजल्ट यूट्यूब या यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम, और रन करके देखेंगे एक बार। क्रोम से ओपन, मैक्सिमाइज, सरकारी रिजल्ट ओपन, कुछ प्रॉब्लम हुई है, नॉट क्लिक हेयर, जस्ट वन सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे हमको पार्शियल लिंक यूज करना है, इस वजह से ये नहीं,
रन किया है प्रोग्राम पार्सल लिंक्ड टेक्स्ट, सॉरी अगेन रन करते हैं 1 2 3 4 गो प्रोग्राम रन फ्रॉम ब्राउज़र ओपन मैक्सिमाइज सर्कल रिजल्ट ओपन नाउ यू कैन सी वी कैन ऑटोमेट न्यू लिंक। ठीक है ये हम लिंक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है आपने देख लिया हमने ये है टैग नेम और क्लास नेम दो लोकेटर्स हमारे अभी रह रहे हैं तो हम टैग नेम से करते हैं पहले टैग नेम से। ठीक है आपको इसका कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नो वरी अबाउट इट। ठीक है इनको करना है टैग यूज करना है टैग से हमको फाइंड करना है एलिमेंट एमएस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एलिमेंट्स यूज करेंगे एलिमेंट की जगह पे क्योंकि बताएंगे अभी आपको एलिमेंट्स का मतलब होता है कि वहाँ पे एलिमेंट आप भी समझते हैं यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक किया यहाँ पे एंकर टैग नेम है यहाँ पे तो यहाँ पर बहुत सारे टैग्स होंगे एंकर के तो वहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएंगे ना कि वहाँ पे एलिमेंट रहेगा क्योंकि एक नहीं है वहाँ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पर हम उसके लिए जो है एलिमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है बाय किसे टैग नेम से करेंगे टैग नेम क्या रहेगा मान लीजिए ये काउंट करने के लिए यूज करते हैं हाउ मच फिगर्स अवेलेबल ऑन द वेब पेज हाउ मच लिंक्स अवेलेबल ऑन द वेब पेज। तो यहाँ पे हम गूगल पे करते हैं एक सेकेंड ये गूगल है यहाँ से करते हैं यहाँ पे हमको एंकर टैग से करना है। ठीक है तो एंकर टैग से क्या होता है कि हम रेफर करते हैं किसी वेबसाइट या न्यू वेब पेज पे। ठीक है तो हम यहाँ पे एंकर यूज करेंगे टैग। हम इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे लिस्ट अभी मैं बताऊंगा इसको क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ लिस्ट। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रेड कलर का आ रहा है तो जैसे हम जावा में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर यूज करते हैं इंटीजर ए इक्वल टू तो इसका वेब टाइप इसका जो है टाइप क्या है यहाँ पे लिस्ट का टाइप क्या है यहाँ पे सिलेनियम में हम वेब एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं लिस्ट लिस्ट में बताऊंगा अभी टाइप क्या है वेब एलिमेंट। ठीक है यहाँ पे लिंक का काउंट कर रहे हैं लिंक कर लेंगे। ठीक है आप यहाँ पे इसको जैसे ही हटाएंगे यहाँ रेड हो जाएगा जैसे आप यहाँ पेस्ट करेंगे ये ओके आ जाएगा। ठीक है अब हमें क्या करना है इसको प्रिंट कराना है तो सिस्टम सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंट एलन और हमें क्या प्रिंट कराना है टोटल नंबर ऑफ लिंक्स ठीक है यहां पर हमको लिंक कर देना है। ठीक है यहाँ पर अगर हम रन करेंगे प्रोग्राम तो हमको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी हाउ मच कितने हैं यहाँ पे लिंक गूगल पेज पे लेकिन ये सरकारी रिजल्ट पर अभी नेविगेट कर रहा है तो वहाँ पे काफ़ी सारी लिंक्स होंगी और प्रोग्राम रन कर चुका है। ठीक है क्लोज करते हैं और देखते हैं ये देखिए आप यहाँ पे कितने कितनी बार एंकर टैग यूज किया गया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है तो क्लियर करते हैं एक बार यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा एक बार गूगल पर करते हैं यहाँ पे कम होंगी लिंक्स और आप देख भी पाएंगे। अब यहाँ पे हमको क्या पता करना है उसका काउंट ही पता करना है कितना काउंट है। ठीक है तो काउंट को हम ऐसे पता कर सकते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट हाउ डॉट प्रिंटलन
count of links plus link link dot size। अब अगर आप यहाँ पर इसको रन करेंगे इसको, तो ये टोटल नंबर काउंट दे देगा कितनी ये लिंक्स google.com पेज पे अवेलेबल। प्रोग्राम रन हो चुका है, ठीक है, ये रन कर चुका। आप यहाँ पर देख पाएंगे काउंट ऑफ 25 लिंक्स अवेलेबल हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सारी लिस्ट आ जाए हमारे सामने, जो भी यहाँ पर रन वेब लिंक्स अवेलेबल हैं वेब पेज पर फॉर लिस्ट ठीक है। अब हमको काउंट पता लिस्ट पता करनी है। अब हमें लिस्ट पता करनी है कि कौन कौन सी लिंक्स अवेलेबल हैं वेब पेज पे। उसके लिए हम यहाँ पर लूप यूज करेंगे, फॉर लूप, फॉर ठीक है वेब एलिमेंट यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे एल, एल के बाद हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लिंक लिंक ठीक है ठीक है। लूप चला रहेंगे यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट println l dot get text। तो get text क्या है, यहाँ पर हम अपनी लिस्ट पता कर सकते हैं कौन कौन से लिंक्स अवेलेबल हैं वेब पेज पे। रन करते हैं एक बार, प्रोग्राम रन हो गया है सक्सेसफुली। क्रोम ब्राउज़र ड्राइवर ओपन मैक्सिमाइज्ड सक्सेसफुली ठीक है, अवेलेबल है पेज पर। ये आप किसी भी पेज से पता कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप फेसबुक कर सकते हैं, फेसबुक पर रन कर सकते हैं आप। ठीक है, रन कर चुका सक्सेसफुली, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 46 लिंक्स अवेलेबल हैं वेब पेज पर ठीक है। कभी कभी ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है, ये लैंग्वेज की वजह से आ रहा है। कभी कभी आप रन करेंगे तो आप सक्सेसफुली रन कर पाएंगे और अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे जो भी वर्ड गिवन है ठीक है। लास्ट हमारा बच रहा है यहाँ पे क्लास नेम। क्लास नेम का यूज जो है बहुत ही कम टेस्टर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारी क्लास गिवन रहती हैं ठीक है, इस वजह से लोग इसको यूज नहीं कर सकते। जो टेस्टर होते हैं ऑटोमेशन टेस्टर, वो इसको बहुत ही कम यूज करते हैं ठीक है। तो यही थे हमारे लोकेटर्स आज के लिए, जो आज लोकेटर्स थे। और कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो कस्टमाइज लोकेटर पे रहेगा, सी एस सेलेक्टर्स, एक्सपाथ, रिलेटिव एक्सपाथ, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। तो आप आई होप ये समझ गए होंगे लोकेटर्स क्या होते हैं सेलेनियम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।